दोस्तों, बॉलीवुड में अपने अभिनय और खूबसूरती की छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री जया प्रदा 3 दशक लंबे करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इससे पहले आपको बता दें, जया प्रदा एक लोकप्रिय अभिनेत्री होने के साथ साथ एक राजनीतिक के तौर पर भी जानी जाती हैं। आपको बता दें कि जया प्रदा के फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से हुई थी और उनकी पहली फिल्म के लिए जया प्रदा को केवल 10 रुपये मिले थे। इस फिल्म में उनका 3 मिनट का डांस था, जिसे देखकर दक्षिण भारत के कई फिल्म निर्माता और निर्देशक उनसे प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म में काम देने की पेशकश की। जया प्रदा का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव राजमुंद्री में 3 अप्रैल 1962 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही जया प्रदा का ध्यान नृत्य की ओर था और उनकी माँ ने नृत्य के प्रति उनके बढ़ते रुझान को देखकर उन्हें नृत्य सिखाने के लिए दाखिला दिलवा दिया। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। हिंदी सिनेमा में लंबी पारी खेलने के बाद जया राजनीति में सक्रिय हो गई और लोकसभा में भी पहुंची। उन्होंने अब तक कई पार्टियों की राजनीति भी की है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जया के कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, जिनसे शायद ही आप रूबरू होंगे। तो दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी जया प्रदा पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, साउथ के साथ बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम करने वाली जया प्रदा की मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही। उन्होंने 3 बच्चों के पिता फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी की थी। हालांकि पत्नी का दर्जा उन्हें अब तक नहीं मिल पाया और शादीशुदा होने के बावजूद आज भी वो अकेली ही रहती हैं। जया प्रदा ने बॉलीवुड के कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्मों में काम किया है, जैसे राजेश खन्ना, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन सहित कई बड़े एक्टर्स के साथ जया प्रदा ने फिल्में की हैं। आपको बता दें कि साल 1979 में फिल्म सरगम से जया प्रदा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और 80 के दशक में जया प्रदा की गिनती बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में हुआ करती थी। हर डायरेक्टर इन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार रहता था और 17 साल की उम्र में उनकी गिनती साउथ की फेमस एक्ट्रेसेस में होने लगी थी। खबरों की माने तो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होने के बाद एक दिन उनके घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा दौर था। रेड पड़ने के बाद उनका करियर भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था और यही वो समय था जब प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने उनका साथ दिया और उन्होंने इस दौरान जया प्रदा की काफी मदद की और जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए। बी टाउन में भी दोनों के अफेयर की खबरें खूब चर्चा का विषय बनी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नाहटा पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। लेकिन जया नाहटा के प्यार में तो जैसे पागल सी हो गई थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि श्रीकांत शादीशुदा हैं। लेकिन एक दिन जया प्रदा और श्रीकांत ने शादी करने का फैसला किया। श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना जया प्रदा से शादी कर ली और ये खबर सबके लिए काफी शॉकिंग थी। श्रीकांत की पहली पत्नी ने श्रीकांत को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था और इसके अलावा उन्होंने जया प्रदा के साथ मारपीट भी की थी। श्रीकांत ने इस लड़ाई पर एक तरह से अपनी पहली पत्नी चंद्रा का समर्थन किया। शादी के बाद भी जया प्रदा ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा, लेकिन एक शादीशुदा आदमी से शादी करने के कारण उन्हें धीरे धीरे फिल्में मिलना भी बंद हो गई और उनका फिल्मी करियर धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिल्मी करियर ही नहीं, साथ ही उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह यह थी कि श्रीकांत के साथ उनके घर पर जया प्रदा नहीं रह सकते थे क्योंकि उनकी वाइफ और बच्चे साथ रहते थे और इस तरह उन्हें पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिल पाया। जया प्रदा का अपना कोई बच्चा नहीं हुआ, उन्होंने अपनी बहन के बेटे सिद्धू को गोद ले रखा है और वो अपने गोद लिए बेटे के साथ रहती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के साथ साथ जया ने राजनीति जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो दोस्तों, आपको जया प्रदा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।